फ्रेंड्स, वेलकम टू टोस्टी बाइट्स। मॉनसून स्पेशल में आज हम बनाएंगे दाल वड़े। चलिए गरम गरम क्रिस्पी दाल वड़े बनाते हैं और इस बारिश का मज़ा लेते हैं। मॉनसून में क्रिस्पी दाल वड़ा आज हम बना रहे हैं चने की दाल से। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है चने की दाल। इसे मैंने भिगो के रखा हुआ था। इसी के साथ में मैं ले रही हूँ राइस फ्लावर, धनिया पत्ती, कुछ कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी साबुत हरी मिर्च और अदरक, साथ ही में एक प्याज। चने की दाल के क्रिस्पी दाल वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चने की दाल को अच्छे से धो के भिगो लेना है। इसे मिनिमम 3 घंटे के लिए भिगोना है। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो मैंने ये दाल जो है 1 कप लिया है और उसको मैंने भिगो के रखा था। इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं। सबसे पहले हम अपने भीगी हुई दाल को ड्रेन कर लेंगे। तो मैं इसको एक छन्नी में निकाल रही हूँ ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो अच्छे से निकल जाए। हम इसको इसी ढंग से छन्नी में कुछ 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। जब तक हमारी दाल में से पानी निकल रहा है, हम अपने प्याज को बारीक काट लेते हैं। अभी दाल में से ऑलमोस्ट एक्सेस पानी निकल गया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर और इसमें ये दाल डाल देंगे। साथ ही में इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च, जो हमने साबुत हरी मिर्च रखी थी, और थोड़ी अदरक, और इसको हम पल्स मोड पे दरदरा पीस लेंगे। भिगी हुई दाल को हरी मिर्च और अदरक के साथ दरदरा पीस लिया है। इसे हम निकालेंगे एक बोल में। आप देख सकते हैं दरदरा पीसा है, बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। इसको दरदरा पल्स पे ही पीसना है। मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो ये एकदम से महीन पेस्ट बन जाएगा। और दाल वड़े के लिए हमें इस ढंग से मोटा पीसना है, इसलिए आप इसको पल्स के ही मोड में पीसिएगा। पीसी हुई दाल में हम डालेंगे चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में इसमें डलेगा कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई थोड़ी सी सौंफ। इसी के साथ में इसमें हम ऐड करेंगे नमक, इसके साथ में इसमें डलेगा धनिया पत्ती कटा हुआ, साथ ही में इसमें डलेगा कटा हुआ हरी मिर्च। आखिरी में इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर। दाल को इन सभी इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी में इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। हमने एक प्याज को चॉप किया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इस ढंग से एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक कढ़ाई में कर लेंगे तेल को गरम अपने दाल वड़ों को फ्राई करने के लिए। कढ़ाई में हमारा तेल गरम हो रहा है, चलिए बनाते हैं दाल वड़े। मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगाया है। मैं थोड़ा सा पोर्शन दाल वड़े के बैटर में से इस ढंग से लूँगी। इसको इस ढंग से गोल पहले तो करूँगी और उसके बाद हल्का सा इसको चपटा करके रेडी कर दूंगी फ्राई करने के लिए। कुछ इस ढंग से ये रफली ही बनाना है। आपको बहुत ज़्यादा गोल करके, सॉफ्ट करके ऐसा कुछ नहीं करना है। बस इस ढंग से
बैटर को हाथ में लेना है, उसको थोड़ा सा गोलाई में डालना है और चपटा कर देना है। इसी ढंग से रफ ही आपको मिलते हैं बाजार में भी, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे रफ शेप में जैसे हमें बाजार में मिलते हैं। इसी ढंग से हम इसको रेडी कर लेंगे। मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ, मैं इस ढंग से बैटर को हाथ में लूंगी, थोड़ा सा पहले गोल आकार में लाऊंगी लड्डू की तरह और उसको थोड़ा सा चपटा करके इस ढंग से रेडी कर लूंगी ट्राई करने के लिए। ऐसे इसी ढंग से मैं ये सारे दाल वड़े रेडी करके रखूंगी, क्योंकि मेरा तेल हो रहा है गरम। फिर हम साथ ही में सारे वड़े तल देंगे। मैंने इस ढंग से अपने सारे वड़े रॉ फ्राई करने के लिए तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। हमारा ऑयल हो चुका है गर्म। ये अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसमें एक एक करके वड़े ऐड करेंगे। इस ढंग से और एक से दो मिनट एक साइड पे अच्छे से सेट होने के बाद हम इनको पलटेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और क्योंकि एक से दो मिनट हुए हैं, मैं अब इनको अलट पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब हम इसको फ्राई करेंगे लो से मीडियम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हमारे जो बड़े हैं वो तो अच्छे से फ्राई ना हो जाए और अंदर तक पक ना जाए। हमारे बड़े गोल्डन येलो कलर के बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इनको हम इसी ढंग से तेल को हल्का से ड्रेन करते हुए एक स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। इस ढंग से चलिए डालते हैं अपना दूसरा बैच। गरम तेल में हम इस ढंग से अपने बड़ों को डालेंगे। जब हम बड़े डाल रहे हैं तब हमारा गैस हाई टू मीडियम होना चाहिए और करीबन 1 मिनट के बाद ही हम इसको लो टू मीडियम करेंगे ताकि हमारे जो बड़े हैं वो एक साइड से सेट हो जाएं और फिर लो टू मीडियम पे अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। लगभग 1 मिनट हो गया है, मैं इनको अलट पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इसी ढंग से हिलाते हुए हम अपने बड़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पर। हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इनको अच्छे से निकाल लेंगे, तेल से ड्रेन करते हुए निकालेंगे और साथ ही में स्ट्रेनर पे निकालेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। इस ढंग से बढ़िया से क्रिस्पी बड़े हो गए हैं तैयार। देखिए कितने ही क्रिस्पी बने हैं। इसमें हमने सोडा या कोई भी चीज़ नहीं डाली है, ये सिर्फ दाल है और राइस फ्लावर है जिससे इतने ही बढ़िया और क्रिस्पी बने हैं। ये बढ़िया बड़े तो हो गए हैं तैयार। चलिए फटाफट से इसके साथ बना लेते हैं चटनी। दिने की इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए हम लेंगे पुदीना, साथ ही मिलेंगे थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च, चने का दाल का दलिया, ये आपको भुनी हुई चने की दाल बाजार में मिलती है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई भी बेसन की ऐसी चीज़ जो बनी हुई है जैसे दही में डालने वाली बूंदी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए चटनी। हम एक मिक्सर ग्राइंडर में पुदीने को धो के डाल देंगे, साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक, नमक, थोड़ा सा कच्चा आम। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास अभी अवेलेबल था तो मैंने कच्चा आम डाला है। साथ ही में इसमें डलेगा दलिया, चने की दाल जो हमारी भुनी हुई थी वो। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसको हम
मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। हम लेते हैं मजे इस क्रिस्पी बड़ों के चटनी के साथ और चाय की चुस्की के साथ इस बारिश में। अरे अरे, मैं आपको दिखा तो दूं कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। लीजिए, बाहर का क्रिस्प तो मैंने आपको बताया ही था। अब मैं इसको तोड़ती हूँ और ये देखिए कितना ही अंदर से बढ़िया और सॉफ्ट बना है। मैं तो ले रही हूँ इसके मज़े। आप भी फटाफट से बनाइए और चाय के साथ मॉनसून के कीजिए मज़े। आप कीजिए मुझे सब्सक्राइब मेरे YouTube चैनल टोस्टी बाइट्स पर, या तो मुझे फॉलो कीजिए Facebook और Instagram पर टोस्टी बाइट्स के पेज पर।